मैं ऋतु आपको ये बताना चाहती हूँ कि काश कि वो मनुष्य मेरी जिंदगी में ना आया होता तो मैं जिंदा होती। भगवान करे जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। माँ नाम ऋतु है। हाँ। माँ मम्मी ने मुझे लेने के लिए भेजा। मम्मी क्यों नहीं आ पाई? वो किसी काम में है। काश कि मैं उस लड़के के साथ उस लड़के की बातों में आकर उसके साथ ना गई होती तो मेरे साथ इस तरह की दरिंदगी ना होती। उसने मेरे शरीर के साथ मेरी आत्मा को भी कुचल दिया। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटियों को इतना सुरक्षित बनाएं कि वह इस तरह की घटनाओं का शिकार ना हो सकें। अगर मैंने अपनी समझदारी नहीं दिखाई होती तो मैं भी ऋतु जैसी उन तमाम लड़कियों की तरह दरिंदगी का शिकार हो चुकी होती। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपने साथ की घटना। हाँ। मम्मी मम्मी ने मुझे बुलाने को कहा था। मम्मी क्यों नहीं आई? मम्मी कहीं गई होंगी, कुछ काम। पासवर्ड बताओ। ऐसा बात है? पासवर्ड मेरी मम्मी ने कहा था कि वो अगर किसी को भेज देंगी तो पासवर्ड बोल के ही भेज देंगी। वो पासवर्ड सिर्फ मम्मी और मुझे ही पता है। तो देखा आप सब लोगों ने कि कैसे मैंने अपनी समझदारी से काम लिया और कुछ बुरा होने से बचा लिया। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपनी बेटियों को ऐसा सिखाएं कि वो किसी अनजान व्यक्ति के साथ अकेले ना जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। बाय।